हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जो हम डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड जो है उसकी डिस्कशन करेंगे तो उसको हम अलग तरह से देख सकते हैं, उसको अलग चीज़ बोलते हैं जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने बोला था ना क्या कि भाई स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आप बोलोगे इसे स्पीड विथ डायरेक्शन का कोई एग्जांपल दे। तो देखो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट साइड आपको या नॉर्थ नॉर्थ साइड आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना है, तो ये क्या मैंने आपको ऑर्डर दिया पर यहाँ पे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या बोला लेफ्ट साइड, तो इट मीन्स दैट मैंने यहाँ पे दो चीज़ आपको बताई, 50 किलोमीटर और लेफ्ट, दो चीज़। उसको क्या बोलते हैं, 50 किलोमीटर को स्पीड और लेफ्ट साइड मीन्स वो हुआ डायरेक्शन। तो जब भी दो चीज़ की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म्ड और वेरी वेरिएबल। इट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर तो चेंज कहाँ पे होगा। वेलोसिटी का मीनिंग होता है दो चीज़, एक तो स्पीड और डायरेक्शन, तो दोनों में से कोई एक में भी चेंज होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो देखो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की आपको दिखा निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि जब भी स्पीड चेंज होगी बरोबर उसका मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे एवरेज, तब हमको निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड। अब मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जा रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा हूँ राइट साइड, देखो मैंने स्पेसिफिकली फिर से बोल रहा हूँ 50 किलोमीटर पर स्पीड पे जा रहा हूँ राइट साइड। क्यों राइट साइड बोला, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही और जहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी वहाँ पे हमको डायरेक्शन लगना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो 50 किलोमीटर पर स्पीड पे जा रहा हूँ राइट साइड, आफ्टर 5 मिनट 50 किलोमीटर मेरी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अगर रोड खुला हुआ तो मीन सिंपल सी बात है 60 हो जाएगी। अब ये सिचुएशन में अगर कोई पूछे कि भाई आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी तो तब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने शब्द यूज़ किया एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे हम एवरेज स्पीड काउंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमने काउंट किया हुआ है। इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज एट यूनिफॉर्म रेट then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for the given period of time। अब यहाँ पर average velocity आपको कैसे find करना है, तो average velocity के अंदर initial velocity and final velocity, initial velocity and final velocity ये दोनों का total करना है और हमको divide by 2 करना है तो हमको मिल जाएगी average velocity। अब इसका formula क्या है, symbolically ऐसे इसको कैसे define किया गया हुआ है, तो देखो mathematically वी ए वी मीन्स इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि एवरेज वेलोसिटी ओके इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, वेयर वी ए वी इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है, तो यू क्या है इनिशियल, सब मैंने स्टार्ट किया तो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, जब मैं स्टार्ट करूँगा तब तो मैं खड़ा ही रहा हूँ तो 0 किलोमीटर पर की स्पीड पे आऊँगा। अब मैं बोलूँ आफ्टर 1 मिनट मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इनिशियल कितनी थी 0 और फाइनल कितनी थी 60, तो यहाँ पे हमको मेंशन करना है
के दोनों को टोटल होगा डिवाइड बाय टू होगा, तब हमको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकंड इनवर्स और मीटर अपॉन सेकंड. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. एक्चुअली क्या है, स्पीड और जो वेलोसिटी है ना, वो दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं है. ओके, इस वजह से सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है कि भाई वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाता है. स्पीड प्लस डायरेक्शन बोलते हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं, बस और कुछ चेंज नहीं है. इसलिए यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम है. नाउ एग्जांपल 8.2, द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कार है, हम घर से निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो तब ऑडोमीटर किसको बोलते हैं कि जो अंदर मीटर होता है ना, उसके अंदर हमको डिजिट दिखाते हैं कि भाई हमारी कार कितनी घूम रही है, तो वो उसको बोलते हैं ऑडोमीटर. ओके, तो वो कितना है 2000 किलोमीटर बता रही है जब हम घर से निकले तब, और घर पे वापस आए तब कितना था, 2400 था. तो अब हमारी पूरी ट्रिप कितने की हुई, तो मीन्स हम घर से निकले और वापस घर पे आए, तो वो टोटल किलोमीटर कितना होगा, 400 किलोमीटर होगा. क्यों 400 होगा, क्योंकि 2000 पे निकले थे घर से, 2000 किलोमीटर पे जो एडोमीटर में दिखा रहा था तब निकले थे, और 2400 पे घर पे आए, तो सिंपल सी बात है, टोटल हमने कितने 400 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, कितने टाइम में किया, 8 आवर में. ओके, तो ये आपको याद रखना है, और हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है. और दूसरा क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड प्लस उसका आंसर मुझे दो तरह चाहिए, किलोमीटर पर आवर पे चाहिए और मीटर पर सेकंड पे चाहिए. तो ये आपको याद रखना है. ओके, तो लेट अस वी स्टार्ट हियर सॉल्यूशन. डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, मींस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो घर पे आए थे तब 2400 था, जब गए थे तब 2000 था, तो हमने टोटल कवर किया 400 किलोमीटर. अब टोटल टाइम कितना हुआ, 8 आवर. ओके, तो ये आपको याद रहना, 8 आवर. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी, तो 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, तो होगा 400 अपॉन 8 आवर, हमको यहाँ पे मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर. कितना मिला, 50 किलोमीटर पर आवर. ये तो किलोमीटर पर आवर की बात हुई, पर यहाँ पे तो दो तरह से आंसर मांगे हुए हैं. देखो, एक किलोमीटर पर आवर में भी मांगा हुआ और मीटर पर सेकंड में भी मांगा हुआ है. जब भी किलोमीटर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, इसमें हमको आंसर मिला, अगर इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है. तो आपको दिखा रहा हूँ कैसे. देखो ये रहा, ये 50 किलोमीटर पर आवर था हमारा, उसको देखो 50 किलोमीटर हमारे पास था इनटू 1000 अपॉन 3600, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर की जो है उसमें से डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो आपको याद रखना है, तो हमारा आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड. ये हमारा एग्जांपल था. अब जब बात कर रहे हैं एग्जांपल 8.3, उषा स्विम्स इन 19 मीटर लॉन्ग पूल, मींस 90 मीटर लंबा है पूल, सी कवर द 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. देखो, आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है ज़्यादातर. ओके, तो अगर एक साइड से हम तैरना स्टार्ट करेंगे, सामने की साइड टच करके वापस हम टच करके आ जाएंगे, तो वो यहाँ पे क्या बता रहा हुआ है कि पुल की लेंथ कितनी थी, 90 मीटर थी, और दोनों आने का और जाने का टोटल मिला के कितना होगा, 180 होगा, और ये हमने कवर की, वो जो उषा है उसने कवर किया है विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर वो उसने कवर किया हुआ है. तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल आगे, भाई 1 मिनट में कवर किया है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. तो हमको एवरेज स्पीड भी फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी भी हमको फाइंड करनी है. तो चलो हम देख लेते हैं फटाफट. द डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इज़ 1 मिनट इज इक्वल इज 180 मीटर. मैंने बोला था आने जाने में 1 मिनट के अंदर 180 मीटर वो कवर करती है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, मैं आपको बता दूँ, तो भाई हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं, वापस घूम के वही जगह पे आएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो मीन्स अगर हम यहाँ से अगर स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करना स्टार्ट किया, जाके टच करके वापस वही जगह पे आ रहे हैं, तो तब का डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा
इन 1 मिनट इज इक्वल टू 0 मीटर लिया हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 180 मीटर कवर किया था, और टोटल टाइम कितना लिया था उसने, 1 मिनट टाइम लिया था। तो यहाँ पे 1 मिनट को हम क्या कर देंगे, 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं है। तो 180 अपॉन 60 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कट होगा तो 3 हो गया, तो 3 मीटर पर सेकंड हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, तो हमको मिल गया 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मैंने क्या बोला था, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि भाई एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे देखो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये याद रखना है ये दोनों के फॉर्मूला में क्या चेंज है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो वापस स्विमिंग पूल में स्विम करके वापस आई वो तो 0 मीटर था, और टोटल टाइम कितना हुआ था, 1 मिनट, तो 60 सेकंड। तो 0 अपॉन 60 सेकंड क्या होता है, 0 ही होता है। ओके, तो 0 मीटर पर s इनवर्स। तो एवरेज स्पीड ऑफ द उषा इज 3 मीटर पर सेकंड इनवर्स एंड द एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये हमारा आंसर है, आई थिंक सो। ये जो लास्ट वीडियो था वो हमारा ईयरफोन बिगड़ा हुआ था, उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये वीडियो आई थिंक सो अच्छी तरह से शूट हुआ होगा, अगर कोई फीडबैक हो तो मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।